वेलकम टू व्यूवर माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिंग्विस्टिक वर्ड। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ मॉर्फोलॉजी एंड व्हाट इज़ लेक्सिकॉलोजी, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मॉर्फोलॉजी एंड लेक्सिकॉलोजी, और व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन वर्ड एंड लेक्सीम। तो मॉर्फोलॉजी, सबसे पहले हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड, वर्ड्स के स्ट्रक्चर की स्टडीज़ को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। लेक्सिकॉलोजी द स्टडी ऑफ द स्टॉक ऑफ द वर्ड इज कॉल्ड लेक्सिकॉलोजी। लेक्सिकॉन, लेक्सिकॉन है स्टॉक ऑफ द वर्ड। तो वर्ड्स आर सेंट्रल इंपॉर्टेंस टू लेक्सिको लेक्सिकॉलोजी। तो मॉर्फोलॉजी में हम क्या करते हैं, वर्ड के स्ट्रक्चर को देखते हैं, वर्ड के स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स पे बात करते हैं, और लेक्सिकॉलोजी में हम लेक्सीम पे बात करते हैं, लेक्सिस एंड लेक्सिकॉन पे। लेक्सिकॉन स्टॉक ऑफ वर्ड है। तो मॉर्फोलॉजी में वर्ड इज़ नॉट सफिशिएंट इन द एनालिसिस बिकॉज इट इज़ सिमिलर यूनिट्स। तो इसमें हम लेक्सिकॉलोजी को भी साथ देखते हैं। तो अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ वर्ड, स्पीच इज़ कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ साउंड विदाउट अ क्लियर डिवीजन इनटू यूनिट्स, बट इट कैन बी एनालाइज्ड इनटू मीनिंग एलिमेंट्स विच रिक्यूर एंड कम्बाइन अकॉर्डिंग टू रूल्स। वर्ड्स का हम ये भी कहते हैं कि वर्ड्स सेट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड्स, एंड अ सेंटेंस इज कंसिस्ट ऑन द फ्रेजेज क्लाजेज, एंड क्लाजेज कंसिस्ट ऑन द फ्रेजेज, एंड फ्रेजेज कंसिस्ट ऑन द मोर वन एंड मोर वर्ड्स, एंड वर्ड्स इज कंसिस्ट ऑन द वन आर मोर मॉर्फीम्स, एंड आर मॉर्फीम इज कंसिस्ट ऑन द वन आर मोर फोनीम्स। मतलब एक सेंटेंस मुश्तमिल होता है क्लाज पर, एक या दो क्लाजेज पर, और क्लाज मुश्तमिल होता है दो फ्रेजेज पर, और दो फ्रेज मुश्तमिल होते हैं दो वर्ड्स पर, और दो वर्ड्स मुश्तमिल होते हैं, और वर्ड्स मुश्तमिल होता है दो मॉर्फीम पर, और मॉर्फीम मुश्तमिल होता है फोनीम पर। तो द टर्म वर्ड इज़ यूज डेजिग्नेट एंड इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर स्मॉलर दैन द होल फ्रेज एंड येट लार्जर दैन द सिंगल साउंड सेगमेंट। इट कैन बी डिफाइंड डिपेंडिंग ऑन विदर वी फोकस ऑन द रिप्रेजेंटेशन थाट एक्सप्रेस आर प्योरली फॉर्मल क्रिटेरिया। तो वर्ड हम अपने थाट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर वर्ड्स को बात की जाए तो लेटर से वर्ड्स बनता है। वर्ड्स जैसा कि स्कूल है, हाउस होल्ड है, इन फॉल आउट वेस्ट, हम अपना आइडिया कन्वे करने के लिए जो यूज़ करते हैं उसे हम वर्ड कहते हैं। और वर्ड्स की अगर हम कहें कि वर्ड इज मिनिमल फ्री फॉर्म विच कैन अकर इन आइसोलेशन एंड हैव मीनिंग बट विच कैन नॉट बी एनालाइज्ड इनटू एलिमेंट। मतलब वर्ड्स जो है वो एनालाइज नहीं किया जा सकता एलिमेंट्स में, लेकिन वर्ड्स के मीनिंग होते हैं। अगर वर्किंग डेफिनेशन की जाए वर्ड की, तो द मॉर्फीम्स आर द अल्टीमेट ग्रामेटिकल कॉन्स्टिट्यूट मिनिमल मीनिंग यूनिट ऑफ द लैंग्वेज। तो वर्ड्स के बाद हम देखते हैं लेक्सीम। सिंस द लेक्सीम इज अब्स्ट्रैक्ट, इज कन्वेंशनल टू चूज वन ऑफ द इन्फ्लेक्ट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंट सच एज इन्फिनिटिव ऑफ द वर्ब एंड सिंगुलर द नाउन। द सेम वर्ड फॉर्म मे इनफैक्ट रिप्रेजेंट डिफरेंट लेक्सीम। मतलब एक वर्ड्स में डिफरेंट लेक्सीम हो सकते हैं। लेक्सीम और डिफरेंट में फर्क है। बेसिकली वर्ड्स को हम लेक्सीम तो कह सकते हैं, लेकिन एक वर्ड में डिफरेंट लेक्सीम हो सकते हैं। जैसा कि होमोनिम इज सिंगल ऑर्थोग्राफिक एंड फोनोलॉजिकल वर्ड स्टैंडिंग फॉर टू लेक्सीम्स। अ बियर इज नाइदर द वर्ब आर द नाउन। अब बियर जो है उसे एक वर्ड हम लेते हैं बियर। अब बियर नाइदर इज आइदर द वर्ब आर द नाउन, ये नाउन भी हो सकता है वर्ब भी हो सकता है। इसी तरह दूसरा है होमोग्राफ है। होमोग्राफ इज द सिंगल ऑर्थोग्राफिक वर्ड बट सेपरेट फोनोलॉजिकल वर्ड स्टैंडिंग फॉर टू लेक्सीम एज लीड्स द नाउन LED। तो वर्ब में भी इस्तेमाल होता है और नाउन में भी। उसके बाद है होमोफोन। होमोफोन इज अ सिंगल फोनोलॉजिकल वर्ड बट सेपरेट ऑर्थोग्राफिकल वर्ड स्टैंडिंग फ्रॉम टू लेक्सीम। अगर लेक्सीम की बात की जाए, द सेम लेक्सीम आल्सो हैव क्वाइट डिस्टिंक्ट फॉर्म्स वर्ड फॉर्म्स एज इन केस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द रिप्रेजेंट बाय इनडेफिनेट आर्टिकल एन। तो फाइनली वर्ड में रेफर द मॉर्फोसिंटैक्टिक वर्ड और ग्रामेटिकल वर्ड। अ मॉर्फोसिंटैक्टिक वर्ड कंसिस्ट ऑफ लेक्सीम एंड एसोसिएटेड ग्रामेटिकल मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, टेक द गार्बेज आउट एवरी वीक, आई टुक द गार्बेज आउट यस्टरडे, I have taken the garbage out already. Word form. To sum up, हम ये कह सकते हैं जो word है, word is that lexeme as an individual instance. Word is a set of letters. जबकि जो lexeme है, lexeme is a set of words भी हो सकता है। लेक्सीम एंड वर्ड्स डेट इज लेक्सीम इज रेफली द सेट ऑफ इन्फ्लेक्टेड फॉर्म टेकन बाय द सिंगल फॉर्म सच एज द लेक्सीम। लेक्सीम जो है वो मतलब रन,
रन एक वर्ड है, अब रनिंग उसे हमने कह दिया, रनिंग लेग्जीम है, लिमा है, इसी तरह रैन है, रनर है, रन रैन रनर, तो वर्ड एक है, सिंगल होता है, अल्फाबेट का सेट होता है, वर्ड का सिंगल मीनिंग होता है, जबकि जो लेग्जीम है, लेग्जीम का मीनिंग तो सिंगल हो सकता है, लेकिन लेग्जीम जो है वर्ड्स की डेरिवेशन फॉर्म होती है, जैसा कि हम कहते हैं रन रन रैन, अब रन वर्ड है, रैन लेग्जीम है, और रनिंग भी लेग्जीम है, रनर भी लेग्जीम हो गया, मतलब एक वर्ड्स की इन्फ्लेक्टेड या डेरिवेटेड फॉर्म जो आएगी वो लेग्जीम होगी, वर्ड सेट ऑफ अल्फाबेट मीनिंग होगा। एज अ वर्ब, वर्ड इज टू से राइट समथिंग यूजिंग पर्टिकुलर वर्ड अ फ्रेज समथिंग, तो हम ये कह सकते हैं कि वर्ड जो है, वर्ड बेसिकली जो है ना, एक वर्ड है, सेट ऑफ लेटर्स है, आइसोलेटेड वर्ड भी हम कह सकते हैं, जबकि जो लेग्जीम है वो सेट ऑफ वर्ड्स है, इन्फ्लेक्टेड फॉर्म में वर्ड्स जो होता है वो लेग्जीम होगा।